वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यस, आज जो है हमारी टी डी एस की आखिरी क्लास है और हमने 194N तक देखा था। और अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो इफ़ यू आर क्यूरियस कि ये नोट्स कौन से हैं, ये स्टडी मैट है इंस्टीट्यूट का। और 194 आज हम शुरू करने वाले हैं, 194O। तो हम शुरू करते हैं 194O। सो 194O जो होता है वो है TDS ऑन सर्टेन पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। और ये सेक्शन जो है, इस सेक्शन के भी एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी फिर वही चीज़ पढ़ा के। आगे हम बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं कि हम आगे क्या पढ़ सकते हैं। जो हम नेक्स्ट सेक्शन जो है हम देखने वाले हैं वो है 194P। तो एक बार हम पी देख लेते हैं। यस, डिडक्शन ऑफ टैक्स बाय स्पेसिफाइड बैंक इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। देखो, जो अक्सर आपने देखा होगा IPCC से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो 60 ईयर से ज़्यादा के एज वाले हो गए, उनको गवर्नमेंट जो है कई सारे रिलैक्सेशन देती है। जैसे कि अगर आप टैक्स रेट पे देखो तो उसमें भी रिलैक्स करती है। इसके अलावा जो आपका डिपॉजिट वगैरह पे, बैंक डिपॉजिट पे जो TDS कटता है उस पर भी हमारे लिए 10,000 तक जो है एग्जेम्प्ट है, लेकिन उनके लिए वो 10,000 की लिमिट जो है वो बढ़ के 50,000 तक हो जाती है। तो उसी टाइप में एक ऐसा सेक्शन है जिससे TDS के लिए, जिसमें TDS का भी बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने कुछ सीनियर सिटीजन के लिए। तो ये जो सेक्शन है ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सीनियर सिटीजन में भी 60+ को मत समझना, उसके लिए भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन क्या होते हैं। एज ऑफ द एज 75 ईयर और मोर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस ईयर के लिए आप असेसमेंट कर रहे हैं उसमें कभी भी अगर उस पर्सन की एज जो है वो 75 ईयर से ज़्यादा है तो वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हो गया। दूसरा है इज़ हैविंग पेंशन इनकम। मतलब यहाँ पे ये बोलते हैं, मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, वो ये उन लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं जो मान लो एक बूढ़ा आदमी है, 75 ईयर से ज़्यादा उसकी एज है और उसको कुछ पेंशन मिल रही है, और साथ में उसी बैंक में जैसे SBI में उसका अकाउंट है, SBI में उसकी पेंशन आती है, और कुछ पैसे हैं जो कि FD है या फिर सेविंग अकाउंट ही है तो उस पर जो है उसे कुछ इंटरेस्ट आता है। तो अगर एक पर्सन की इस टाइप की इनकम है तो इसके लिए, इस टाइप के पर्सन के लिए, पर्सन को यहाँ पे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बोला गया है। और इनको जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है कि आप क्या करना कि आप रिटर्न फाइल मत करना। आपकी बजाय आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आप ओल्ड हो चुके हैं, तो आप कहाँ से इतना भाग दौड़ करोगे। तो यहाँ पे सिर्फ यही बोला गया है कि जैसे बैंक को पता है कि उसके पास क्या है, ये जो आदमी है इसके पास क्या है। एक तो इसके पास इतना सम का, इतना जो पेमेंट आ रहा है ये पेंशन है, और इसके अलावा इस पर्सन के पास ये एक बैंक अकाउंट में इसने FD कराई है या फिर सेविंग है, तो उस पर भी जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो बैंक ही आपके टोटल इनकम को कैलकुलेट करके उस पर TDS डिडक्ट कर लेगी। और आपको जो है नेसेसरी नहीं है कि आप इन रिटर्न फाइल करो। वैसे ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी है, अगर किसी के पास ऐसी चीज़ें हो रही हैं किसी के साथ ये केस, तो ऐसा होगा ही कि मतलब बैंक ही फाइल करेगी, आप नहीं फाइल कर सकते, नहीं आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का मतलब हो गया 75 ईयर और मोर। दूसरा पॉइंट हमें ये बोलता है हैविंग पेंशन इनकम, उसके पास जो है पेंशन इनकम होना चाहिए। ऑल्सो ही शुड हैव नो अदर इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल फ्रॉम एनी अकाउंट मेंटेन बाई सच इंडिविजुअल इन द स्पेसिफाइड बैंक इन विच ही इज़ रिसीविंग सच पेंशन इनकम। मतलब देखो, अगर मिस्टर ए हैं जो कि 75 ईयर से ज़्यादा हैं और उनकी SBI में पेंशन इनकम आती है, इसके साथ साथ उनका एक HDFC में भी अकाउंट है जहाँ पे उनकी FD है, तो SBI को ये पता नहीं चल पाएगा ना कि HDFC में भी उनका अकाउंट है। तो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट किया जा गया है जिसका जो अकाउंट है सिर्फ एक बैंक में है, और उस बैंक को पता है कि ये जो मिस्टर ए हैं इनके पास सिर्फ यही इनकम ही है, एक तो इनकी पेंशन इनकम है और दूसरी जो हमारे बैंक से इनको FD पे या सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो है। तो दूसरा, ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। और तीसरा बोलता है फर्निस्ट डिक्लेरेशन इन द स्पेसिफाइड बैंक कंटेनिंग सच पर्टिकुलर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। मतलब कि बैंक के पास जो वो पर्सन है, मिस्टर ए है, उनको जाके एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बैंक को। CBDT हैज इंसर्टेड रूल 26 टू प्रिस्क्राइब द फॉर्म एंड मैनर फॉर फर्निशिंग द डिक्लेरेशन डिस्कस्ड बिलो। मतलब जो है रूल 26D में ये बताया गया है कि आपको जो है एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बैंक को, तभी तो बैंक को पता चलेगा कि अच्छा आप ये चीज़ ऑप्ट करना चाह रहे हैं। और क्योंकि बैंक डजेंट नो ना कि मिस्टर ए है या मिस्टर बी है या मिस्टर सी है, उसकी सिर्फ SBI में ही इंटरेस्ट, मतलब SBI में ही अकाउंट है या फिर किसी और बैंक में है, तो आपको खुद जाके बैंक को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और डिक्लेरेशन देने के सारे जो मैनर्स हैं वो आपको रूल 26D में प्रोवाइड किए गए हैं।
जो फॉर्म है, इसको शॉर्टकट में थोड़ा बात करते हैं, जो फॉर्म है वो फॉर्म नंबर 12BA, इसमें जो है आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जो फर्स्ट पॉइंट सब रूल का जो फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमें ये बोलता है, ऑन फर्निशिंग द डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 12BA द स्पेसिफाइड बैंक वुड कंप्लीट द टोटल इनकम, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ सच स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द डिडक्शन अलाउबल अंडर चैप्टर 6A एंड रिबेट अलाउड अंडर सेक्शन 87A एंड डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन सच टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स। द इफेक्ट ऑफ द डिडक्शन अलाउड अंडर चैप्टर 6A हैज़ टू बी गिवन बेस्ड ऑन द एविडेंस फर्निश्ड बाई द स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि सपोज करो मिस्टर ए ने 12BE में जाके SBI को अपना डिक्लेरेशन दे दिया, तो अब SBI क्या करेगी, SBI कंप्यूट करेगी उनके टोटल इनकम को, और जब टोटल इनकम कंप्यूट करेगी तो उसे चैप्टर 6A में जितने डिडक्शन लिखे हुए हैं उसको भी इफेक्ट देना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो हमें रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A उसे भी इफेक्ट दे के टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो टैक्स रेट होगा उस टाइम पे जो भी टैक्स रेट चल रहा होगा उस पर्टिकुलर ईयर में उसी के अकॉर्डिंग टैक्स रेट लगा के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। द इफेक्ट टू द डिडक्शन अलाउबल अंडर चैप्टर 6A हैज़ टू बी गिवन बेस्ड ऑन द एविडेंस फर्निश बाय द स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब जैसे ये बोलते हैं कि चैप्टर 6A का डिडक्शन देना पड़ेगा या 87A देना पड़ेगा, तो चैप्टर 6A का डिडक्शन आप कहीं भी लेते हैं, चाहे आप अगर एम्प्लॉय हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप 80C का डिडक्शन ले रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर को जो है फर्निश करना पड़ता है। जैसे आप बोलते हैं कि मैं बच्चों की फ़ीस दे रहा हूँ तो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, तो इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए आपको फ़ी की जो रिसीट होती है, स्कूल की फ़ी की जो रिसीट होती है, उसमें जो ट्यूशन फ़ी होता है वो 80C में उसका डिडक्शन अलाउड है, ये तो आपको पता होगा। तो आपको अपने एम्प्लॉयर को जो है वो देना पड़ता है ना स्कूल की रिसीट की फ़ीस। द सेम केस इज़ हेयर ऑल्सो, अगर एक मतलब बैंक जो है चैप्टर 6A के डिडक्शन को तभी अलाउ करेगा जब मिस्टर ए ले जाके खुद बोले कि ये मेरी LIC की प्रीमियम की का ये जो है डॉक्यूमेंट है और इसके बेसिस पे आप मुझे 80C का डिडक्शन दे दो। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। पॉइंट नंबर 4 बोलता है स्पेसिफाइड बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग एंड मेंटेनिंग डिक्लेरेशन एंड एविडेंस फर्निश्ड बाय द सीनियर सिटीजन। जो भी डिक्लेरेशन या एविडेंस चैप्टर 6A के लिए मिस्टर ए ने फर्निश किया है स्पेसिफाइड बैंक को जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, उसे अपने पास रखना होगा। एक जैसे बैंक अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखते हैं उसे अपने पास रखना होगा। एंड शैल बी मेड अवेलेबल टू द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और सपोज करो कि अगर कभी स्क्रूटनी हुई या अदरवाइज स्क्रूटनी नहीं भी हुई तो भी अगर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ने अगर मांगा तो आपको जो है उस डॉक्यूमेंट को अवेलेबल कराना पड़ेगा कि आपने चैप्टर 6A का जो डिडक्शन दिया है वो इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे दिया है। सो आई थिंक ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ऊपर देख लेते हो, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, समरी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बस यही होता है कि जो हमारे 75 ईयर से ज़्यादा जो हमारे बूढ़े लोग हैं उनको ये बेनिफिट है कि ये जो सीनियर सिटीजन है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे जो है 75 ईयर से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप एक ऐसे सीनियर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज अगर 75 ईयर से ज़्यादा है देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग। एग्जेम्पशन वाले पॉइंट में देखो वहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन। अगर आपका इस सेक्शन में टैक्स डिडक्ट हो गया है तो फिर आपके ऊपर एग्जेम्पशन है कि आप ना फाइल करें अपना रिटर्न ऑफ इनकम। और बस यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है एप्लीकेबिलिटी एंड रेट ऑफ TDS वो यहाँ पे यही बोलता है कि डिडक्शन जो है अलाउ होगा चैप्टर 6A के सारे डिडक्शन को जो भी उस पर्सन के ऊपर मिस्टर ए के ऊपर एप्लीकेबल हो उसको इफेक्ट दे देना, रिबेट जो 87A में मिलता है उसको भी इफेक्ट दे देना, और तब जाके आप अपना ये 194P का जो है TDS डिडक्ट करना। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, दिस इज़ अ रिविजनरी वीडियो सो मैं क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। ओके, अब हम अपना जो है दूसरा सेक्शन शुरू करते हैं। अब जो है मैं कुछ छोटे छोटे सेक्शन को रिवाइज कराना चाहती हूँ। एक सेक्शन होता है 196, नो TDS ऑन इंटरेस्ट और डिविडेंड और अदर सम पेबल टू गवर्नमेंट रिजर्व बैंक और सर्टेन कॉरपोरेशन। मतलब यहाँ पे ये बोलता है कि अगर कोई भी सम, जैसे मान लो TDS कैसे डिडक्ट होता है, TDS डिडक्ट होता है कि अगर हमें डिडक्टर जो है वो पैसे काटता है, तो जैसे मान लो कि मैंने अगर कोई सर्विस ली, जैसे आप मिस्टर ए हैं और मैं एक CA हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मिस्टर ए ने मुझसे कोई सर्विस ली तो मुझे अब पेमेंट मिलेगा मेरी सर्विस के बदले। मान लो कि कोई ऑडिट की सर्विस ली तो उस ऑडिट की सर्विस के लिए मुझे अब पेमेंट मिलेगा। अब मुझे 2 लाख रुपीज़ सपोज़ कि अगर मिलना है तो उस पर जो है मिस्टर ए पहले 2 लाख पे 10,000 20,000 का TDS डिडक्ट कर लेंगे, और तब जो है
वो मुझे 180,000 अमाउंट मुझे पे कर देंगे, दैट इज़ द केस, ओके। बट यहाँ पे ये बोलता है कि अगर सोचो मिस्टर ए ने मेरे बजाय अगर गवर्नमेंट से कोई सर्विस ली है, RBI से, म्यूचुअल फंड से, या फिर कोई भी कॉरपोरेशन, ऐसी कॉरपोरेशन से सर्विस ली है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब कोई सेंट्रल एक्ट के अंदर बने हुए हैं, तो इनके ऊपर, इनसे अगर आप सर्विस लेते हो और इनको पेमेंट करते हो, तो फिर आपको TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है हमारा 196 सेक्शन। एक्चुअली मैं 196 खोज रही थी, मुझे मिला नहीं, इसलिए मुझे वैसे ही पढ़ाना पड़ा इसे। 197 देख लेती हूँ, क्योंकि मैं अब आपको 197 बताने वाली हूँ। ओके, दिस इज़ द सेक्शन 197 जो है, इसको भी मैं, इसको पढ़ने की बजाय मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। यहाँ पे ये जो बात करते हैं, सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट ए लोअर रेट, मतलब यहाँ पे ये बोलता है कि आप, आपके पास एक ऑप्शन है, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई सर्विस कर रहा है, या फिर आप एक एम्प्लॉई हो जिसे आपको, मान लो कहीं पे मिस्टर ए जो है वो एक एम्प्लॉई हैं जो वहाँ पे कहीं पे काम करते हैं, या फिर मिस्टर ए की बैंक में कुछ FD है और ज़्यादा उनके पास इनकम नहीं है। अब अपने रूल के अकॉर्डिंग जो है बैंक जो है वो तो ये सोचेगा कि भाई मुझे TDS डिडक्ट करना है, मैं सब पे डिडक्ट करता हूँ, तो मुझे इस पे भी डिडक्ट कर लेना है। बट यहाँ पे क्या होता है, वैसे ये मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में भी ये एग्जांपल देखे हैं कि कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो अगर कॉन्ट्रैक्टर से, मान लो 194C का कुछ एडवर्टीज़मेंट का है, एक ABC कंपनी है जिसने एक XYZ कंपनी जो है वो एडवर्टीज़मेंट बिजनेस में है। अब ABC कंपनी को जो है अपना कुछ एडवर्टीज़मेंट करवाना है, तो ABC ने XYZ को कॉन्टैक्ट किया, तो फिर अब पेमेंट के बाद से ये जो है TDS डिडक्ट करने का, जब ABC जो है पेमेंट करेगी XYZ को, तो वो TDS डिडक्ट कर लेगी। 194C में TDS डिडक्ट होता है एडवर्टीजमेंट में, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर याद नहीं है तो एक बार 194C जाके खुद फिर से पढ़िए। तो यस, अब 194C में अगर TDS डिडक्ट हो रहा है, तो देखो अब क्या होता है, 194C जो है वो आपका ये बोलेगा, तो 194C में आपका इसमें TDS डिडक्ट होता है। अब जो है XYZ के पास, XYZ को लगता है कि यार मेरे तो उतने ज़्यादा क्लाइंट हैं ही नहीं, मेरा तो सिर्फ, मैं तो अभी नया इनकॉर्पोरेट हुआ हूँ, मैं तो सिर्फ ABC को ही पहली सर्विस दी है मैंने, या फिर अगर क्लाइंट हैं भी तो भी उसका उतना इनकम नहीं है कि उस पर TDS डिडक्ट हो, तो वो क्या बोलेगा, वो एक लोअर डिडक्शन का, तो वो क्या करेगा, वो एक लोअर डिडक्शन का जो है सर्टिफिकेट ले लेगा ए उसे, और वो ये लोअर डिडक्शन या फिर नो डिडक्शन का जो है सर्टिफिकेट जो है ABC को दे देगा, ताकि जब वो पेमेंट करे तो उस पर अगर लोअर है, मान लो 1% या 2% जो भी है, 194C में मान लो कि 2% पे TDS डिडक्ट हो रहा है, तो उसमें मान लो लोअर डिडक्शन हो के 0.5% हो गया, या फिर नो डिडक्शन हो गया, तो अब ABC जब पेमेंट करेगी XYZ को, तो उसे पेमेंट के, जब ये पेमेंट कर रही होगी, तो उसे ये TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी उसके ऊपर अराइज नहीं होगी, और XYZ का पैसा भी पूरा उसके पास आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो है मैं आपको बताना भूल गई, 40,000 की जैसे मैंने आपको लिमिट बताई थी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ये 40,000 की जो लिमिट है वो बैंक के लिए है, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके लिए 40,000 की जगह 5,000 की लिमिट है, और सच इनकम शुड बी बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, और जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के अलावा ये इनकम जो है बाय वे ऑफ, जैसे बैंक ने अपने FD या टाइम डिपॉजिट पे या फिर सेविंग अकाउंट पे जो है इंटरेस्ट दिया, वो सारे इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड हैं। अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ, बस मैं वो खोज रही हूँ, तो 206AA आ जाता है हमारे पास, ये हमें नहीं देखना अभी। यहाँ पे एक पेनल्टी का पॉइंट होता है, ये हमारा है ना 206A, ओके। मैं आपको वैसे बता देती हूँ, पेनल्टी का इसमें पॉइंट होता है, अगर कोई बैंक जो है वो प्रिस्क्राइब टाइम पे जो है, अगर आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कुछ जून या जुलाई का टाइम होता है, जहाँ पे आपको जो है ये स्टेटमेंट बना के अथॉरिटी को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को जो है दे देना पड़ता है, बट अगर आप टाइम पे नहीं फाइल करते हैं तो 100 रुपीज़ ईच डे के हिसाब से जो है पेनल्टी लगती है। सो दिस वॉज वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस सेक्शन। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेक्शन 206AA। 206AA बोलता है कि
बहुत सारे ऐसे सेक्शन होते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि आप पैन फर्निश कीजिए पैन फर्निश कीजिए, बट अगर आप अपने डिडक्टर को पैन फर्निश नहीं करते हैं तो उस केस में आपका जो TDS रेट होगा, जैसे मान लो कि 194C में आपका TDS रेट कितना है, 1% या 2%, J की बात करूँ तो 10% है, H की बात करूँ तो 5% है। तो ये सारे सेक्शन में या फिर अदरवाइज जितने भी सेक्शन हैं जो प्रिस्क्राइब रेट मेंशन है, उसकी बजाय एक हायर रेट आपके ऊपर लग जाएगा, और वो जो है हायर ऑफ़ द फॉलोइंग, जैसे आपको दिख रहा होगा पॉइंट नंबर 2 में, हायर ऑफ़ द फॉलोइंग एज द रेट प्रिस्क्राइब इन द एक्ट, जैसे कि 2%, 5% या 10% जो मैंने अभी बोला, बी पॉइंट में बोल रहे हैं एज द रेट इन फोर्स, दैट इज़ द रेट मैंशन इन द फाइनेंस एक्ट, या फिर अगर फाइनेंस एक्ट में अगर कोई रेट मेंशन है वो, या फिर जो तीसरा, जो कि मैक्सिमम केस में यही रेट लगता है, कौन सा रेट, 20% का रेट लग जाता है, और अगर 194O है या फिर 194Q है तो उस सेक्शन में जो है हायर रेट जो है 20% की जगह 5% हो जाएगा। सो दिस सेक्शन सिंपली सेज कि अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि इंटाइटल हैं पैन फर्निश करने के लिए बट आपने पैन फर्निश नहीं किया, तो फिर आपका जो टैक्स रेट है, आपका जो TDS का रेट है, वो रेस्पेक्टिव रेट की बजाय हायर रेट हो जाएगा, और मैक्सिमम केस में ये हायर रेट जो है वो 20% हो जाता है। और दूसरा ये है कि 197A में मैंने अभी आपको डिडक्शन की बात बताई, बट ये डिडक्शन जो है वो वैलिड नहीं, डिक्लेरेशन की बात बताई, बट ये डिक्लेरेशन वैलिड नहीं मानेंगे जब तक कि आपने अपना पैन फर्निश ना किया हो। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 206AA में, वो ये बोलता है, यहाँ पे फोर्थ नंबर पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कि 197 का जो सर्टिफिकेट होता है वो तब तक AO ग्रांट नहीं करेगा जब तक कि उसके पास पैन ना हो जाए। नेक्स्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, बोथ द डिडक्टर एंड द डिडक्टी हैव टू कंपल्सरी कोड द पैन ऑफ द डिडक्टी इन ऑल करस्पॉन्डेंस बिल वाउचर एंड अदर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज बिटवीन देम। इफ वो तो आपको फिफ्थ नंबर पॉइंट समझ में आ गया होगा। सिक्स्थ बोलता है, इफ़ द पेन प्रोवाइडेड टू द डिडक्टर इज़ इनवैलिड और इट डज नॉट बिलोंग टू द डिडक्टी, इट शैल बी डीम्ड दैट द डिडक्टी हैज़ नॉट फर्निश्ड हिज पेन टू द डिडक्टर, अकॉर्डिंगली टैक्स विल बी डिडक्टेबल एट द रेट स्पेसिफाइड इन 2 अबव। मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर पेन आपने गलत दे दिया तो ऐसा मानेंगे कि आपने पेन दिया ही नहीं, और फिर वही वो जो 20% वाला केस है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, आपके ऊपर हायर TDS रेट लग जाएगा और 20% एप्लीकेबल हो जाएगा। सेवन्थ पॉइंट जो है वो हमारा ये बोलता है, प्रोविजन ऑफ 206AA शैल नॉट अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड एज रेफर्ड इन 194LC टू ए नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट और टू ए फॉरेन कंपनी। मतलब यहाँ पे ये बोलते हैं कि 206AA जैसे, जो कि ये हमारा करंट जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं वही सेक्शन है 206AA, ये एप्लीकेबल नहीं होगा 194LC में जो बॉन्ड दिए हुए हैं ना उस पर ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये जो एट्थ पॉइंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे ये बोलता है कि 206AA के जो प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होंगे। किस पे अप्लाई नहीं होंगे, किसी नॉन रेसिडेंट पे या फॉरेन कंपनी पे, और ये तब अप्लाई नहीं होंगे अगर जब जो पेमेंट हो रहा हो वो इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनी कैपिटल एसेट, अगर इसके लिए पेमेंट हो रहा हो और जो हमारा जो पे हो वो अगर नॉन रेसिडेंट हो या फॉरेन कंपनी हो तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड जो हमारा पे है उसने अपना नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस इन द कंट्री, जो डिडक्टी जो है वो, या फिर पे जो डिडक्टी जिस कंट्री में रेसिडेंट हो उसका एड्रेस दिया हो या सर्टिफिकेट दिया हो, सर्टिफिकेट ऑफ हिज बीइंग रेसिडेंट इन एनी कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी इफ़ द लॉ ऑफ दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी प्रोवाइड फॉर इशुएंस ऑफ सच सर्टिफिकेट। अगर कोई रेसिडेंट का सर्टिफिकेट बनता है उस कंट्री में, उस पर्टिकुलर कंट्री में, तो वो उस रेसिडेंट का सर्टिफिकेट दे दे। जैसे यहाँ पे आपका रेसिडेंट का सर्टिफिकेट अगर मैं बोलूँ तो आपका आधार कार्ड हो सकता है कि आप इंडिया में, जब आप दूसरी कंट्री में जाके आधार कार्ड दिखाओगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ओके यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही अगर किसी उस कंट्री में अगर रेसिडेंट के लिए कोई सर्टिफिकेट बनता है तो वो उस रेसिडेंट, उस मतलब रेसिडेंसी सर्टिफिकेट को दे दे। एंड टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द डिडक्टी इन द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी ऑफ हिज रेसिडेंट एंड इन केस नो सच नंबर इज अवेलेबल, मतलब टिन नंबर। अब हम बात करने वाले हैं 206CC, दैट इज़
टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के बारे में। तो 206CC जो है ये आपका, जैसे आपका 206AA था उसी तरीके से 206CC है। दोनों का जो मोटो है वो सेम है, दोनों ही कहते हैं कि अगर आपने, देखो क्या बोलता है सेक्शन 206CC एंड 206CC इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2021 में 206CC आया था। Require tax to be collected at source under the provision of this chapter or any sum or amount receivable by a person from a specified person at higher rate of the following, at twice rate specified in the relevant provision of the act or at 5%. छोड़ो ये सारी बातों को, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। 206CC जो है सिंपली ये बोलता है, जैसे आपका 206AA था, कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि आप पेमेंट मान लो आप कर रहे हैं और उस पेमेंट पे TCS की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पैन फर्निश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया तो मान लो TCS का रेट, अगर क्योंकि TCS का रेट कम होता है, 1% है, 2% है या 3% है, तो हायर रेट हम लगा देंगे। अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, हम या तो उसका डबल कर देंगे, जैसे अगर 3% है तो डबल हो गया 6%, या फिर 5% विच एवर इज़ हायर का हम फार्मूला लगा देंगे, और जो भी इसमें से ज़्यादा हो या तो डबल, ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, या फिर एट 5%। तो इस दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वो जो है वो चीज़ हम लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे ये बोलते हैं, प्रोविजन ऑफ 206CC रिक्वायर टैक्स कलेक्शन एट हायर ऑफ द फॉलोइंग टू रेट, ये तो हम देख चुके हैं। दूसरा है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206 डज नॉट अप्लाई टू ए नॉन रेसिडेंट हु डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का जो मीनिंग है और इसका फुल कंसेप्ट आप बाद में पढ़ेंगे, जब आप इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ रहे होंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। बट यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि 206AA जो है वो अप्लाई नहीं होगा टू ए नॉन रेसिडेंट हु डज नॉट हैव अ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। अगर आप एक ऐसे नॉन रेसिडेंट है जिसका PE इंडिया में नहीं है, तो फिर आपके ऊपर 206CC अप्लाई नहीं होगा। इट मे बी नोटेड दैट वेर इज सेक्शन 206CC इज एप्लीकेबल टू ए पर्सन पेइंग एनी सम और अमाउंट हु हैव नॉट फर्निश्ड पैन, सेक्शन 206AA इज एप्लीकेबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन हु हैव फेल्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब कि ये सेक्शन ये बोलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 206CC जो है दिस इज़ एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ सेक्शन 206AA। वहाँ पे TDS के लिए बात की गई है, और मैंने बाय मिस्टेक 206CC को ऐसे समझ लिया था, बट ऐसा नहीं है। 206CC एंड 206AA इज़ रेप्लिका, 206CC इज़ एक्चुअली रेप्लिका ऑफ सेक्शन 206AA। मतलब कि जो काम, जो चीज़ें TDS के लिए AA में लिखी हुई हैं, वही चीज़ें TCS के लिए CC में लिखी हुई है, कि अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया तो हायर रेट पे TDS कट जाएगा। बट जो 206CC है वो कहता है कि हायर रेट एप्लीकेबल होगा तब भी जब आप फेल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है तो फिर आपके ऊपर जो है हायर रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा। अब आते हैं हम मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन पे, स्पेसिफाइड हु हैज़ नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बोथ द टू असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द टू प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट फॉर विच द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) हैज़ एक्सपायर्ड एंड द एग्रीगेट टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इन हिज केस 50,000 और मोर इन ईच ऑफ द टू प्रीवियस ईयर। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब होता है कि जैसे अगर स्पेसिफाइड पर्सन का 2223 में TDS डिडक्ट होने वाला है, तो फिर 21, 22 और 2021 इस दो ईयर को देखेंगे क्या, इस दो प्रीवियस ईयर में, जस्ट पीछे वाले दो साल को देखते हैं, क्या इस पीछे के दो साल में उस पर्सन ने रिटर्न फाइल किया है। अगर नहीं, अगर फाइल कर दिया है तो ओके, अगर नहीं फाइल किया है तो दूसरा हम देखेंगे कि क्या इन सालों में, दोनों साल में, फॉर ईच ऑफ द ईयर, क्या जो उसका द एग्रीगेट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इन हिज केस 50,000 और मोर इन ईच ऑफ दिस टू प्रीवियस ईयर, तो क्या पीछे के दो सालों में जो TDS और TCS जो डिडक्ट या कलेक्ट होना था, क्या वो 50,000 से ज़्यादा है? अगर है तो फिर स्पेसिफाइड पर्सन, तो उसे हम स्पेसिफाइड पर्सन बोलेंगे और हायर रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। However, the specified person does not include a non-resident who does not have a permanent establishment in India. जिसका PE इंडिया में नहीं हो वो एक specified person नहीं होगा।
In case the provision of 206CC are also applicable to the specified person, in addition to the provision of 206CC, then tax is required to be collected at higher of the two rate provided in section 206CC and 206CA. मतलब देखो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिस जहाँ पे आपके ऊपर डिफ़ॉल्ट हो गया और आपके ऊपर 206CC भी लग गया, मतलब आपने पैन फर्निश नहीं किया था तो 206CC लग गया और CCA भी लग गया, मतलब कि आप जो हैं आपने पीछे जिस ईयर में आपका TCS कलेक्ट होना था उसके पीछे वाले दो साल में आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है और आपका जो TDS या TCS बनता है वो ईच ऑफ द ईयर में 50,000 से ज़्यादा है, तो फिर आप दोनों सेक्शन में डिफ़ॉल्टी हो गए। अब दोनों सेक्शन में डिफ़ॉल्टी हो गए तो जो आपके ऊपर TCS कलेक्ट करने का जो रेट लगेगा, क्योंकि अब आपको पता है ना कि हायर रेट लग जाता है, या तो हम डबल कर देते हैं या फिर 5% जो भी हायर होगा उसको हम लगा देंगे, तो जो आपके ऊपर रेट लगेगा वो रेट दोनों ही सेक्शन में हम देखेंगे कि हायर रेट क्या हो रहा है। मान लो कि 206CC में 5% हायर रेट बन रहा है और CCA में 6%, तो हम 6% दोनों ही सेक्शन के अंदर रेट निकाल के उस दोनों में से जो हायर होगा उसको हम एप्लीकेबल कर देंगे, उस पर हम TCS कलेक्ट कर लेंगे। टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स का टाइमिंग जो है वो होना चाहिए डेबिटिंग द अमाउंट पेबल बाय द बायर और लाइसेंसी और लेसी एज द केस में बी टू हिज अकाउंट और एट द टाइम ऑफ रिसीट। सिंपल सी चीज़ है कि सोचो TDS के बारे में, TDS के बारे में क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर था, यहाँ पे वहाँ पे क्रेडिट था तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो TCS जो कलेक्ट होता है वो कौन कलेक्ट करता है, रिसीवर करता है ना, और जो TDS डिडक्ट होता है वो पेयर करता है, तो जो रिसीवर का या तो क्रेडिट या फिर रिसीट विच एवर इज अर्लियर जो भी होगा वो आपके TDS की लायबिलिटी TCS की लायबिलिटी बन जाएगी। इन केस ऑफ सेल ऑफ अ मोटर व्हीकल द वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख और सेल ऑफ गुड एक्सीडिंग 50 लाख अदर देन एक्सपोर्टेड गुड एंड गुड मेंशन अंडर सेक्शन 206(1) टैक्स विल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सच अमाउंट अंडर सेक्शन 206(1F) एंड 206(1H) रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मोटर व्हीकल का केस बोल रहे हैं, अगर वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा हो रही है या फिर सेल ऑफ गुड जो है अगर 50 लाख से ज़्यादा है, तो फिर जो डेबिट और रिसीट का जो विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट था उसको हटा के एट द टाइम ऑफ रिसीट ही सिर्फ लगेगा। अब बात कर लेते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TCS की। TCS जो है एप्लीकेबल नहीं होगा इन ए केस फॉर नो कलेक्शन ऑफ TCS शैल बी मेड अंडर सेक्शन 206(1) इन केस ऑफ ए रेसिडेंट बायर इफ सच बायर फर्निशेज टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स अ डिक्लेरेशन इन राइटिंग इन डुप्लीकेट द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब मैनर टू द इफेक्ट दैट गुड्स रेफर्ड इन सेक्शन 206(1) अबव आर टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ मैनुफैक्चरिंग प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स और थिंग और फॉर द पर्पज ऑफ जनरेशन ऑफ पावर एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पज। मतलब कि मान लो कि अल्कोहल पे TCS लगता है, या आपको पता है ओके। अब मान लो अल्कोहल किसी ने परचेज किया, किस लिए परचेज किया, कि वो उस अल्कोहल से कुछ बना रहा है जिसमें वो अल्कोहल यूज़ हो रहा है, तो इस केस में जैसे बहुत सारे मेडिसिन जो कफ वगैरह की मेडिसिन होती है अगर आपको पता हो तो उसमें अल्कोहल यूज़ होता है, तो मान लो कि उस कफ वाली मेडिसिन का जो मैन्युफैक्चरर होगा वो तो हायर अमाउंट में मतलब अल्कोहल परचेज कर रहा होगा, तो अगर आप कोई ऐसा परचेज कर रहे हो TCS वाले जो भी गुड्स हैं अगर आप उसको परचेज कर रहे हो और अगर आप उस गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग आर्टिकल और थिंग में किसी आर्टिकल और थिंग को मैन्युफैक्चर प्रोसेस या प्रोड्यूस करने में लगाते हैं या फिर पावर जनरेशन में लगाते हैं और ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं लगाते, तो फिर आपके ऊपर TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्निशिंग अ कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन विद इन स्पेसिफाइड टाइम। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल डिलीवर और कॉस्ट टू बी डिलीवर्ड टू द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर वन कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 1A ऑन और बिफोर 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच द डिक्लेरेशन इज फर्निश्ड टू हिम। अब हम बात कर लेते हैं ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग स्टेटमेंट ऑफ TCS के बारे में। अगर क्वार्टर वाइज होता है, आपको पता होगा रिटर्न जो है क्वार्टर वाइज जाता है, 30 जून का जो है तो उसका ड्यू डेट जो है 15 जुलाई है, सितंबर के क्वार्टर के लिए 15 अक्टूबर है और 31 दिसंबर के लिए 15 जनवरी है एंड 31 मार्च के लिए 15th ऑफ मई है। बट अगर TDS की बात करें तो TDS में आपको याद होगा कि 7th हो जाता है, मतलब 7th जुलाई, 7th अक्टूबर, 7th जैन एंड देन 30th ऑफ अप्रैल हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
दिस वॉज ऑल अबाउट योर टी सी एस सेक्शन एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द टी डी एस चैप्टर. आई होप कि आपको समझ में आ गया हो. कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड जाते जाते येस मैं बोलूँगी कि जो भी रिविजनरी क्लासेस होते हैं उसको इस मकसद से कभी नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ. उन क्लासेस का पर्पस यही होता है कि बहुत सारे प्रोविज़न हम भूल गए होते हैं, वो हमें ईजिली रिकॉल करा देते हैं. बट जो आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे वो लिख के आएंगे जो आपके माइंड में होगा. तो अगर आपको अपने माइंड में रखना है तो सबसे इफ़ेक्टिव वे है सेल्फ स्टडी. आप 24 घंटे रिविजनरी क्लास देख लो या फिर आप 2 घंटे की या 4 घंटे की 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करके उस चीज़ को पढ़ लो. रिविजनरी क्लास का अल्टीमेट बेनिफिट जो होता है वो तभी होता है जब आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसी दिन नहीं नेक्स्ट डे या फिर कुछ दिन के गैप पे आप अपना जैसे भी आपका शेड्यूल हो उसके बाद से जो भी चीज़ आपने रिवाइज़ किया उस चीज़ को आपने सेल्फ स्टडी किया. सो येस, विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास. नेक्स्ट क्लास से हम कोई दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, you keep smiling and subscribe to my channel.